हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आर्ट गुरु मोहित शर्मा यूट्यूब चैनल। तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होप आपने होली बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय करी होगी। तो आज की वीडियो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे ग्रेफाइट पेंसिल से हम किस तरीके से शेडिंग कर सकते हैं और किस तरीके से अपने हैंड बना सकते हैं। तो ये पूरी ग्रेफाइट पेंसिल से हम यहाँ पे बनाएंगे, तो पूरी शेडिंग करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते रहेंगे कि आपको किस तरीके से शेडिंग करनी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, नीचे कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम एक हैंड बना सकते हैं, वो भी हम यहाँ पे ग्रेफाइट पेंसिल का पूरा टोटली ग्रेफाइट पेंसिल यहाँ पे यूज करेंगे। अपनी जो भी शेडिंग करनी है, जो भी हमको बनाना है, उसके लिए पूरी ग्रेफाइट पेंसिल यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपने पेपर पे अपने जो भी रेफरेंस पिक्चर है आपके पास, जो भी आप ड्रॉ करने वाले हैं, उसको कम्प्लीटली पहले उसका एक स्केच बना लीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि उसमें कोई गलती ना हो। बिल्कुल गलती अवॉइड कीजिए। अगर आपको कोई गलती दिखाई दे रही है तो आप स्केचिंग में ही उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज अगर आप थोड़ी बहुत गलतियां यहाँ पे शेडिंग में भी सुधर जाती हैं। तो फर्स्ट स्टेप में स्केचिंग कंप्लीट करने के बाद अब आती है सेकंड स्टेप की बारी। तो सेकंड स्टेप में हम यहाँ पे शेडिंग करेंगे। तो शेडिंग हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम HB पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं ताकि जो हमारी शेडिंग है वो लाइटली यहाँ पे हो जाए, जो भी लाइट एरियाज़ हैं उसमें डार्क वैल्यू ना आ पाए। तो हम लाइटली यहाँ पे बिना प्रेशर का यूज़ करें, बिल्कुल भी आपको प्रेशर का यूज़ नहीं करना है सबसे पहले शेडिंग में, तो ताकि हमारी जो शेडिंग में लाइनिंग है वो भी ना पाए और हमारी जो शेडिंग है बिल्कुल स्मूथ लगे। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल लाइट HB पेंसिल का यूज़ करना है, या फिर आपको जो तो यहाँ पे फर्स्ट लेयर कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आती है सेकंड लेयर की बारी। तो सेकंड लेयर में आप थोड़ी सी उससे डार्क पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए मिडिल टोन लगाने के लिए थोड़ी सी डार्क पेंसिल का यहाँ पे यूज़ करिए, जो आपके डेप्थ वाले पार्ट हैं या फिर जो भी आपके जो हैंड में रिंकल्स हैं उनको ड्रॉ करने के लिए थोड़ी सी डार्क पेंसिल का यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ताकि वहाँ पर थोड़ी सी हमें डेप्थ नज़र आए। और आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये मेज़र करना है अपने रेफरेंस पिक्चर में है या फिर आप अपने हैंड में देख सकते हैं, तो गोलाई का यहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमारा जो उंगलियाँ हैं, जो उंगलियों की शेप होती है वो थोड़ी सी गोलाई में रहती है। तो गोलाई में आपको किस तरह के शेडिंग करनी है, आपको एक साइड शेडिंग करनी है और बीच में जो है आपको थोड़ा सा लाइट देना है, और उसके बीच में जो बिल्कुल हाईलाइट देनी है ताकि वो उभार आपका जो गोलाई है वो ताकि मेंटेन रह सके यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमने यहाँ पे इसमें शेडिंग करी है और किस तरह से हम शेडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप ब्लेंडिंग के लिए ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, ब्रश यहाँ पे काफ़ी अच्छा सफिशिएंट रहता है। तो यहाँ पे हम कॉटन वर्ड का भी यूज़ करेंगे ताकि थोड़ी सी और स्मूथनेस आ जाए, जहाँ पर हमको और भी ज़्यादा डेप्थ या फिर मिडिल टोन्स देनी है वहाँ पर हम कॉटन वर्ड का यूज़ कर ले रहे हैं। तो उससे क्या है, थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ जाती है आपकी जब आप शेडिंग करते हैं। तो इस तरीके का आपको हर एक टूल का यहाँ पे यूज़ करना आना चाहिए, कौन सी जगह आपको कौन सा टूल्स यूज़ करना है तो वो आपको आएगा प्रैक्टिस के साथ। जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे और जिस टूल की जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे आपको अपने आप ही वो पता चल जाएगा। तो ये आता है प्रैक्टिस के साथ। तो आप जितने भी हो सके प्रैक्टिस ज़रूर किया कीजिए। तो यहाँ पर हम देखिए आप किस तरह से यहाँ पर गोलाई में आप शेडिंग कर रहे हैं और जो भी हमारे जो मिडिल टोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी पेंसिल्स के साथ। तो यहाँ पे मैंने कम्प्लीटली ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ करी है, तो यहाँ पे चारकोल पेंसिल अभी तक मैंने यूज़ नहीं करी है। तो ग्रेफाइट में किस तरह का रिजल्ट देखने को मिलता है आप देख सकते हैं। और चारकोल पेंसिल होती है तो ये फर्स्ट लेयर में ही हमारा काफ़ी डार्क शेड आ जाता है, और ग्रेफाइट के साथ आपको लेयर बाई लेयर काम करना पड़ता है। आपको पहले कम्प्लीटली लाइट टोन लगानी पड़ती है, उसके बाद मिडिल टोन के लिए आपको थोड़ी सी डार्क पेंसिल यूज़ करनी पड़ती है, और बिल्कुल डार्क देने के लिए आपको थोड़ी सी उससे ज़्यादा डार्क पेंसिल यूज़ करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमारा जो इतना पार्ट हमने कंप्लीट किया है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके की यहाँ पे ग्रेफाइट पेंसिल से रिजल्ट निकल के आया है। इसमें भी और भी डेप्थ वाले पार्ट आपको क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।